कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आज मतगणना हो रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तराखंड के सीएलपी नेता यशपाल आर्य जी। सर, अगर बात की तो 24 सालों के बाद गांधी परिवार से इतना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है, लेकिन शशि थरूर जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार, उन्होंने आरोप लगाया है कि मतदान सही तरीके से नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में, खासतौर से तेलंगाना में और पंजाब में। देखिए, मैं उत्तराखंड से वोटिंग करके आया हूँ और हमारे चुनाव अधिकारी ने कोई संकेत नहीं, कोई इंडिकेशन नहीं, अपने विवेक से सभी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। आरोप लगते हैं लेकिन आरोप बेबुनियाद नहीं होने चाहिए, आरोप में निराधार आरोप नहीं लगने चाहिए। और इस पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में किसी भी शख्सियत से, किसी भी मतदाता से कोई निर्देश ऐसे नहीं दिए गए हैं हाईकमान के द्वारा, केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, कि आपने इन्हें वोट करना है। तो संदेह किस बात का है? ये आज चुनाव के परिणाम सामने आ जाएंगे और कांग्रेस, हमारा मकसद होना चाहिए, हमारा ध्येय होना चाहिए, हमारा संकल्प होना चाहिए कि कांग्रेस कैसे मजबूत हो। चुनौतियां हमारे सामने हैं, उन चुनौतियों के लिए हमें आगे आना है, सबको मिलकर चलना है, तभी कांग्रेस सशक्त होगी और देश मजबूत होगा। सर, आपको लगता है कि जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे वो गांधी परिवार से इतर मजबूत नेतृत्व प्रदान कर सकेंगे? देखिए, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, प्रियंका जी बगैर मैं कह रहा हूँ कि हम कांग्रेस की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस है तो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी है, तो उसे ही नहीं सकते हैं। लेकिन उनका मार्गदर्शन, उनका संरक्षण सभी को मिला है आज तक, आज आगे भविष्य में भी उनके मार्गदर्शन, उनके संरक्षण की हमें आवश्यकता है। उनके दिशा निर्देश का हम हमेशा पालन करते रहे हैं एक कार्यकर्ता के तौर पर, और मुझे यकीन है कि जो चुनाव संपन्न होने जा रहा है, परिणाम आने वाले हैं और अध्यक्ष, हमारे नए अध्यक्ष हमें मिलने जा रहे हैं, वो भी उन परंपराओं का पालन करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 तारीख को, 22 तारीख को केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे तमाम सही परियोजनाओं का वो देखेंगे भी और कई सही नई परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। देखिए, सौगात देनी चाहिए स्पेशल पैकेज के रूप में, विशेष सहायता। आज उत्तराखंड राज्य 1,05,000 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ राज्य है, विकास ठप हो चुका है, बजट नहीं है, 1,05,000 करोड़ रुपया का कर्ज है उत्तराखंड की वर्तमान सरकार को। तो ऐसे हालात में हम विकास की बात कहाँ कहें? विकास की धरातल पर कहीं विकास नहीं दिखाई दे रहा है। जब पैसा ही नहीं है, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है कर्मचारियों को, अधिकारियों को, तो हम विकास की बात कहाँ से करेंगे? बजट है ही नहीं। पिछले 6 महीनों में के पिछले 5 सालों में जो हुआ है वो सबके सामने है। शुक्रिया से बातचीत करेंगे उत्तराखंड के सीएलपी नेता यशपाल आर्य जी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज चुनाव हो जाएगा, उसके बाद गांधी परिवार से इतर कांग्रेस की कल्पना करना बेमानी होगी। लेकिन अगर बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा उसे गांधी परिवार का संरक्षण मिलता रहेगा। कैप्टन विपिन कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।